हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट के बारे में। चलिए सीधा देख लेते हैं, हम टॉपिक हमारा है ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट में क्या अंतर है, जो कि आप लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यह सस्ती क्यों मिलती है, सेकेंड चीज, ये दोनों चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड नॉन ट्रेड सीमेंट। अब ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट दोनों यूज होती है, वो भी कंस्ट्रक्शन साइड में। अब दोनों में क्या अंतर है, क्यों सस्ती मिलती है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं ट्रेड सीमेंट, यहां पर हम देख लेंगे नॉन ट्रेड सीमेंट, ये हमारा नॉन ट्रेड सीमेंट हो जाता है। अब यहां पर ट्रेड सीमेंट है, अगर मान लीजिए ट्रेड सीमेंट, अभी मैं किसी भी ब्रांड की बात करूं, देखिए जो स्पेशल कुछ आते हैं आपके, जैसे कि बेदर प्लस हुआ, रूफ प्लस हुआ, फिर कंक्रीट प्लस हुआ, इनकी बात नहीं है। यहां पर जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो सिंपल आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो स्पेशल आते हैं वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए उसकी प्राइस ₹340 पर बैग, तो यहां पर जो नॉन ट्रेड रहेगा आपका, यहां पर ये आपको मिल जाएगा 310, 295 या फिर 305, कुछ इस टाइप के इसके रेट रहेंगे पर बैग। यानी कि इसमें इतना डिफरेंस तक रहता 30 से ₹40 तक, ₹50 तक भी। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सस्ती सीमेंट आपको कैसे मिलेगी, जो हाउस कंस्ट्रक्शन की है, कम पैसे में घर बनाए की सीरीज थी। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन थे लोगों के, कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये खराब तो नहीं है या ठीक होती या नहीं, तो उसके लिए मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ट्रेड सीमेंट है क्या। ट्रेड सीमेंट और नॉन ट्रेड सीमेंट दोनों मैन्युफैक्चर होती है कंपनी में, ये जो है आपकी ये भी कंपनी में ही बनेगी, ये सिंपल सी बात है। दोनों के आईएस कोड से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब कुछ सेम रहती है, तो फिर ये सस्ती क्यों है। अब यहां पर देखिए, और कौन सी सीमेंट में ज्यादा फायदा और किस तरह से मिलेगी ये भी देख लेते हैं। ट्रेड सीमेंट जो है ये आपको मिलेगी सबसे पहले तो डीलर, फिर रिटेलर, और यहां से आपके पास आएगी यानी कि साइट पर, जब भी आप बात कर रहे हैं। लेकिन नॉन ट्रेड सीमेंट है ये सीधा कंपनी के बाद आएगी आपकी साइट पर, आप इसे बेच नहीं सकते क्योंकि इसे बेचना गलत है, गैर कानूनी है। इसके बैग पर भी लिखा रहता है नॉट फॉर रीसेल। आप अगर बैग देखे होंगे तो आपको ये देखने को भी मिल जाएगा, अगर किसी भी दुकान पर, कंपनी पर या फिर किसी भी शॉप पर ये मिलता है तो कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है या फिर उनकी जो डीलरशिप है, रिटेलरशिप है, वो छीन लेती है। ये चीज हो जाती है हमारी। अब ये सस्ती क्यों है, ये बात भी हम बाद आगे करेंगे। यहां पर अगर आप ट्रेड सीमेंट लेते हैं तो ये कंपनी से निकलकर सबसे पहले आती है आपके डीलर पास आती है ये, जैसे डीलर के पास आई, इसके बाद सेकंड आपके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, फिर आती है थर्ड नंबर पर साइट पर। यानी कि फर्स्ट यहां से कन्वेयर बेल्ट जो होता है सीमेंट की, मैंने सीरीज बनाया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, यहां से बेल्ट से ये सीधा आकर यहां पर एक ट्रक में आपका लोड हो जाता है, ठीक है। यहां से हुक लगेंगे इस पर, जब भी अगर उसको ऐसे ही आसानी से नहीं रख सकते तो इस पर हुक लगेंगे, हुक के बाद यहां पर आएगी ये, तो कुछ परसेंट इसमें हुक लगेंगे तो लॉसेस होगा। यहां से साइड पर आएगी फिर से अगर आपका लोड होकर, तो यहां पर हुक लगेंगे, तो इस तरह से आपके जो बैग है उसमें लॉसेस हो जाता है। और बहुत एस कंपेयर टू नॉन ट्रेड सीमेंट, यहां पर आपका एक जगह हुक लगता, सेकंड जगह हुक लगता, हो सकता है यहां पर भी लगा ले। अगर 2 से 3 जगह अगर आपका हुक लगता है, क्योंकि लेवर बिना हुक के इसे नहीं लोड कर सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इस कंडीशन में आपका लगभग लॉस जो होता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मतलब
जिस हिसाब से है उस हिसाब से कभी कभी लॉस हो जाते हैं, बैग में प्रॉब्लम्स आ जाती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर लॉस ही हो, कभी कभी नहीं होती, लेकिन आपका आधा किलो मिनिमम लॉस हो जाता है जब इतनी जगह रखाता है तो। इसके बाद ये आपका आ जाता है आपकी साइड पर और आप इसे यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो है ये सीधा आपका यहां से बेल्ट से सीधा आपका साइड पर आएगा। अगर आपको साइड से कहीं लेकर जाना है यानी कि वर्क के लिए, तभी आप हुक लगा सकते हैं या फिर यहां पर नहीं लगेगा। तो आपका एक भी जगह इसमें हुक नहीं लगता तो लॉस नहीं होता। अब बात ये आती है कि यहां से नॉन ट्रेड सीमेंट और ट्रेड सीमेंट जो है सस्ती क्यों होती है, तो यहीं पर आपको एक चीज मिल जाएगी सस्ती का। मैं कारण बता देता हूं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और आगे क्वालिटी की बात करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए आप 340 रुपए की है, 340 रुपए की है आपकी क्यों है, और ये 310 रुपए की क्यों है। ये हम 310 से कंपेयर करते हैं, 310 ये भी है आपकी, डीलर के पास आती है टैक्स, टैक्स के साथ डीलर का मार्जिन इंसेंटिव, क्योंकि अगर वो दुकान अपनी चला रहे हैं, शॉप ओनर हैं, तो उनका भी इंसेंटिव होता है, फिर बहुत सारे उनके फंड्स होते हैं जो उनको मिलते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट है वो इनमें जुड़ जाता है। यहां से मान लीजिए 320 हुआ, यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, कुछ इसमें फिर से टैक्सेस बढ़ जाएंगे, इस तरह से 330 हो गया, ये यहां से फिर कुछ टैक्सेस हो जाता है, इस तरह से 340 पहुंच गया। ये देखिए, ये कैलकुलेशन तो सिर्फ मैंने इस आपको समझाने के लिए बताया हूं, जस्ट कि आपको समझ में आए। हालांकि टैक्स वगैरह कुछ और मार्जिन ऐसा नहीं होता कि 10-10 रुपए हर जगह बढ़ते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, और इस तरीके से एक सिंपल सा आपको समझने के लिए इससे थोड़ा सा आसानी होगी समझने में कि इस तरह से सेम है क्वालिटी आपकी जो है, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डीलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सभी लोगों के पास आती है, सभी का मार्जिन, इंसेंटिव सब कुछ जुड़ते जाता है और उस तरह से इसका रेट यहां पर हो जाता है। अब अगर हम बात करें नॉन ट्रेड सीमेंट की, तो ये डायरेक्ट आपकी साइट पर आ जाती है, इससे आपको पैसे बच जाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम अगर अपना सिंपल सा एक घर बना रहे हैं तो क्या हम इस घर में इस सीमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं जिसमें आपको 300 बैग लग रहे हैं सीमेंट, तो ये सीमेंट ट्रेड ही लेना पड़ेगा आपको, यहां पर नॉन ट्रेड सीमेंट नहीं मिलेगी। नॉन ट्रेड सीमेंट आपको ये तो आसानी से डीलर रिटेलर के पास आप जाकर ले लेते हैं। नॉन ट्रेड सीमेंट अगर आपको परचेज करना है तो आपकी साइट पर एक क्वांटिटी होना चाहिए जो कि आपका कंजप्शन दिखाती है कि यहां पर कितना आपका पर डे कितना कंजप्शन है। यानी कि साइट पर मान लीजिए 500 बैग आपके लग रहे हैं पर डे, आपका 300 बैग लग रहे हैं पर डे, 200 लग रहे हैं पर डे, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है पूरी आपकी साइट है। मान लीजिए पूरी साइट पर आपको 50 टन लग रहा है तब भी मिल जाएगा ये, और ये आपको कम क्वांटिटी में नहीं मिलता, ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, साथ ही साथ आपको एक ही कंडीशन पर मिलता है ये कंपनी से। जो नॉन ट्रेड अगर सीमेंट आपको लेना है तो इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि वर्क ऑर्डर, साथ ही साथ आपको इस पे चाहिए पैन नंबर, अगर आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो चाहिए, यहां पर आपको लेटर हेड चाहिए उनका। अब ये जो कुछ और भी सभी कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो सिंपल से आपके डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जब तक नहीं होंगे, इसके साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, इन लोगों का भी स्टैंप रहेगा या फिर लेटर हेड जब मिलेगा, इसके बाद ही यहां से कंपनी से डिस्पैच होगी, वो भी आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। कुछ जगह पर कुछ कंपनियां कुछ परसेंट एडवांस लेती है, कुछ परसेंट रोक भी लेती है। अगर आपके बीच में यानी कि डीलर के थ्रू अगर ऐसा हो रहा है, डीलर से आप संपर्क करके ले रहे हैं, तो कभी कभी आपको कुछ दिन की मोहलत या साइट मिल जाती है,
अदरवाइज आपको एडवांस पेमेंट करना होता है पूरा। अब अगर हम बात करें तो ये अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हैं, तो आप अगर किसी ऐसे कॉन्ट्रेक्टर को दिए हैं वर्क जिसकी बहुत सारी साइट चलती हो और वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपको लगता है, इस कंडीशन में आप नॉन ट्रेड आपकी कंडीशन में भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉन ट्रेड सीमेंट लेने के लिए कुछ ऐसे मैंने जैसे कि बताया डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, आपके इंजीनियर कॉन्ट्रेक्टर से आप अगर बात करें, और उसके साथ साथ आपका जो भी सीमेंट का ऑफिस है, अगर आप ऑफिस में जाकर बात करते हैं तो वहां पर ऑफिसर जो रहते हैं, टेक्निकल टीम रहती है, मार्केटिंग टीम रहती है, आप उनसे बात करेंगे तब भी सॉल्यूशन आपके लिए निकल जाएगा कि किस तरह से मिल सकती है। सभी सिटी में सभी कंपनियों के ऑफिस होते हैं, और भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप फिर किसी भी डीलर से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं डीलर भी आपको बता देंगे, क्योंकि क्वांटिटी आपकी ज्यादा है तो ये भी देखिए, अगर क्वांटिटी आपकी आप 340 से लेते हैं और आपका हर दिन का या फिर मान लीजिए 10,000 बैग लग रहे हैं, तब आपका आप सोचिए कि 10-20 रुपए भी बचेगा तो टोटल आपका सीमेंट पर ही कितना अमाउंट आपका बच जाएगा, बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इस तरीके से वर्क कर सकते हैं और आप बेहतर तरीके से सीमेंट का यूज कर सकते हैं। रहा सवाल क्वालिटी का, तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्वालिटी दोनों की सेम होती है, क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैग पर भी देखने को मिल जाएगा नॉट फॉर रिसेल। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके भी लाइक जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।